फिल्में बनती हैं ऑडियंस के लिए और ऑडियंस तक तभी पहुंच सकती हैं जब वो थिएटर में रिलीज हो। लेकिन इंडिया में जब जब कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है, कुछ टैबू को तोड़ने के लिए फिल्म बनी है या राजनीति पर फिल्म बनी है, तो अक्सर उनको बैन करा दिया जाता है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। लेकिन अब वो समय बदल गया, अब ऑडियंस ज़्यादा समझदार हो गई है, सोशल मीडिया के थ्रू वो सब कुछ जानती है, अब ऐसा नहीं हो पाता है। पहले जैसे गोधरा कांड पर फिल्म बनी थी, रिलीज़ नहीं हो पाई, बैन हो गई। उसके बाद जॉन अब्राहम की फिल्म थी वाटर, वो रिलीज़ नहीं हो पाई। इवन आमिर खान की फिल्म फना रिलीज़ नहीं हो पाई थी, जबकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं थी, लेकिन एक किसी इंसिडेंट की वजह से उसकी फिल्म को बैन कर दिया गया था गुजरात में। वो बाद में रिलीज़ हुई यहाँ पर और उसके बाद फिर ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब ऑडियंस जानती है, समझती है कि फिल्म फिल्म है। दूसरा, अब वो सब्जेक्ट के बारे में भी पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट घटता है तो पहले से ही उसको मालूम होता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो अब वो परेशानियां नहीं रही हैं ना मेकर्स के लिए ना स्टार्स के लिए, अब वो खुल के अपने क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिल्में बना सकते हैं।